दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO एक ऐसा संगठन है जिसको लेकर आज संयुक्त राष्ट्र की तरह ही भारत कुछ खास खुश नहीं है। और अब इसी नाराजगी की वजह से भारत ने वह धमकी दे दी जो WTO के लिए इस संगठन के टूटने की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र की फंडिंग 50% कम करने जैसे बड़े कदम को उठाने के बाद भारत किसी भी तरह मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में खुद को कमजोर रखने के मूड में नहीं है। इसी पॉलिसी के तहत हमने एक काफी बड़ा बयान और धमकी जारी की है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में लगातार भारत को कोई फायदा ना मिलना और हमारे डिमांड को कुछ खास महत्व ना देने की वजह से आखिरकार भारत एक बड़ा बयान दे चुका है, जिसमें हमने खुलकर कहा कि क्यों ना ऐसे देश को WTO से बाहर निकालने का ऑप्शन दिया जाए जिसे संगठन में दशकों तक रहकर काम करने से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यहां पर भारत एक तरह से विश्व व्यापार संगठन की परेशानियों को हाईलाइट करते हुए कह रहा है कि अगर किसी देश को इस संगठन से फायदा नहीं हुआ तो उसे इसे छोड़ने का अधिकार होना चाहिए। समझने की कोशिश करें तो हमारे इस स्टेटमेंट में एक सीधी धमकी भी है कि अगर भारत के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा गया तो हम संयुक्त राष्ट्र को लेकर चल रहे घटनाक्रम से पहले ही काफी फ्रस्ट्रेटेड है। ऐसे ही हम विश्व व्यापार संगठन में भी यही चीज नहीं होने देंगे, और अगर ऐसा चलता रहा तो हम इस संगठन से बाहर निकलने में भी संकोच नहीं करने वाले, जो विश्व व्यापार संगठन के टूटने की शुरुआत हो सकता है। क्योंकि भारत, जिसकी अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व में 5वें स्थान पर आती है, अगर हमने WTO से बाहर निकलने का फैसला किया तो यह इस संगठन के लिए काफी चुनौती भरा होगा। हालांकि आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भारत को ऐसी क्या परेशानी है कि हम इतने बड़े संगठन से बाहर निकलने तक की बात कर रहे हैं। तो चलिए उन बातों को समझते हैं जो आज भारत के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में अधिकतर लोग सीधे या फिर किसी न किसी तरह से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। और हमारे देश में किसानों की हालत को देखते हुए भारत कई अलग अलग तरीके के बेनिफिट अपने किसानों को देता है, जिसमें MSP शामिल है। इस फैसिलिटी के तहत भारत अपने किसानों द्वारा उपजाई गई फसल को एक मिनिमम अमाउंट पर खरीद लेता है, जिसे हम स्टोर करते हैं। सरकार इसका इस्तेमाल आगे जाकर राशन के तौर पर लोगों को बांटने में और जरूरी जगह सप्लाई करने में करती है। लेकिन डेवलप्ड देश और WTO इस प्रैक्टिस को अच्छा नहीं मानते। WTO का मानना है कि भारत की सुविधा की वजह से हमारे किसानों को दूसरे देशों के किसानों पर बड़ा एडवांटेज मिलता है, जो विश्व में फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि विकसित देशों में और भारत के किसानों में जमीन आसमान का अंतर है, इसीलिए हम अपने किसानों को सब्सिडी, इंसेंटिव समेत दूसरे बेनिफिट देना बंद नहीं कर सकते। खैर, ये तो रहा पहला विवाद। इसके अलावा भी भारत और WTO में काफी विवाद है। बात करते हैं दूसरे विवाद की, जो कस्टम ड्यूटी से जुड़ा हुआ है। WTO चाहता है कि ई-कॉमर्स से अगर कोई सामान ऑर्डर किया जाता है, यानी अगर आप Amazon जैसी किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, चाहे ये प्रोडक्ट दूसरे देशों से ही ऑर्डर क्यों ना किया जाए। अब हम सभी जानते हैं कि अगर अमेरिका के Amazon से भारत में कोई ऑर्डर करे और ये सामान देश के अंदर आए तो इस पर कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे पहले तो भारत में मौजूद सेलर्स को नुकसान होगा। इसके अलावा हर साल भारत को लाखों डॉलर का नुकसान कस्टम ड्यूटी के तौर पर हो सकता है, जिसकी वजह से भारत और विश्व व्यापार संगठन के बीच में इस कानून को लेकर भी काफी विवाद है। इतना ही नहीं बल्कि मछुआरों को सब्सिडी देने पर भी भारत और विश्व व्यापार संगठन के बीच में एक बड़ा विवाद है, जो मानता है कि अब फिशिंग एक काफी प्रॉफिटेबल और ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन चुका है, इसीलिए मछुआरों को सब्सिडी बड़े स्केल पर नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि भारत के केस में ये सही नहीं है। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत में किसान और मछुआरे अधिकतर गरीबी होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सब्सिडी, इंसेंटिव और दूसरे बेनिफिट देना जरूरी है। आंकड़ों की माने तो भारत अपने मछुआरों को 277 मिलियन डॉलर तक की सब्सिडी देता है, जबकि जापान, यूरोपियन यूनियन और चीन में ये सब्सिडी 2000 मिलियन डॉलर तक की है। उतना ही नहीं बल्कि इन देशों में फिशिंग एक काफी मजबूत और प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पर डेवलप हो चुका है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इस देश के मछुआरों को सब्सिडी की जरूरत नहीं, फिर भी इन्हें सब्सिडी दी जाती है।
ऐसे में अगर भारत जहां पर एग्रीकल्चर और फिशिंग एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर विकसित नहीं हुए, हमने अपने देश में सब्सिडी और दूसरे बेनिफिट देने बंद कर दिए, तो इससे हमारे देश के एक बड़े तबके को चोट पहुंच सकती है। लेकिन विश्व व्यापार संगठन ग्लोबल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए चाहता है कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को अपहोल्ड करें। ऐसे में इन सभी बड़े विवादों की वजह से भारत चाहता है कि अगर हमारे इंटरेस्ट को नहीं समझा जाता तो विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकलने का ऑप्शन हो। हालांकि हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि WTO जैसे संगठन से बाहर निकलना इतना आसान भी नहीं है। हमारे पास एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन है, जिसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा, और हम देख सकते हैं कि कैसे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कुछ खास अच्छी तरह से काम नहीं कर रही। साथ ही जनरली ये बात कही जाती है कि अगर किसी बड़े मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना है तो उसके पहले हमें सभी समीकरणों को समझना होगा, वरना ये कदम हमारे ही देश के इंटरेस्ट और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इन विवादों के कारण भारत को WTO से किनारा कर लेना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।